आपको में से अभी सोनू के पेट में दर्द हो रही है, थोड़ा उल्टी जैसे महसूस हो रहा था, मगर उल्टी हुई नहीं, और थोड़ा स्टूल भी क्लियर नहीं हुआ, पेट में थोड़ा गैस बन गया, इसलिए थोड़ा पेट में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैं दवाई दिया हूँ, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज मंडे हैं, बहुत खास दिन है, आज है रथ यात्रा। तो आज सबसे बड़ा रथ पुरी का जगन्नाथ धाम से निकलता है, वहाँ पे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रथ में चढ़ के मौसी के घर जाते हैं, इसीलिए इस खुशी में पूरा देश में रथ यात्रा मनाया जाता है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, मैं राज और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग। आज रथ यात्रा है तो हम लोग रथ लेके निकल रहे हैं अभी, पर राज नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा अकेले निकलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसको आने में अंधेरा हो जाएगा तब रथ लेके नहीं निकलने पाएंगे, तो आने के बाद शायद भी निकलेंगे, पर अभी हम और सोनू निकल रहे हैं। देखिए आप लोग रथ को, कुछ नहीं होगा, तुम धीरे से, हाँ धीरे से खींच के लाओ उसको, कुछ नहीं होगा, वो तुम रस्सी के रस्सी लेकर खड़ी खींचो ना, तो कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, तुम खींचो ना, धीरे धीरे खींचो, हाँ खींच के लाओ, आ जाओ, आओ तुम सामने देख के खींचो ना, सामने देख के। अब हम लोग रास्ते से सीधा छाट में आ गए हैं, क्योंकि रास्ते में इतना गंदगी है, तो बारिश हुआ था तो बहुत गंदगी है रास्ते में, और गाड़ी भी बाइक फाइक आ रहा था सोनू को लेकर, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए हम छाट में आ गई है अभी। वो छाट में आकर बहुत खुश है, अभी छाट में रिलैक्स होकर और रात को खींच रहा है। देखिए आप लोग सब, आसमान पे तो बहुत शान से रात को खींच रही है, पर अभी आसमान गरज रहा है, हाँ बहुत डर भी लग रहा है, अभी शायद उतरना पड़ेगा। मुझे हिंदी बहुत अच्छी से आती नहीं है, पर कोशिश जारी है, अगर कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ कर देना आप लोग। कुछ कहना चाहोगे आप सोनू? कुछ नहीं कहना चाहोगे? माँ आप लोग सुन रहे हैं ना आसमान गरजने का साउंड? सोनू तो बहुत घबरा जा रही है आसमान गरजने के साउंड से। ठीक है, जब तक बारिश ना हो तो खींच ले, फिर नीचे चले जाएंगे। सोनू के कान में देखिए आप लोग, अच्छा सारथी हुआ है कृष्ण का, इतना खूबसूरत आसमान लग रही है आज। देखिए आप जरा आसमान का व्यू, से कोई छवि है, ये जो पेड़ है ना इस पे बहुत सारे पेलिकन बैठा हुआ है, शायद आप दिख रहे हैं, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। हाँ ये देखिए कितना सुंदर एक फाली चांद है, देखिए आप लोग बहुत खूबसूरत लग रही है आसमान में ये एक फाली चांद, और वहाँ देखिए कैसे आसमान रेड हो रहा है, वहाँ से सनसेट हो रहा है इसलिए पूरा रेड उस जगह पर, बहुत खूबसूरत दृश्य है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खाली आंखों से आपको मैं बता नहीं सकती। और बादल भी है आसमान पे बहुत सारा, बारिश होने वाला है इसलिए काले काले बादल है।
ये हम लोग का जो घर का रथ आज रथ यात्रा है। जगन्नाथ देव, बलराम, सुभद्रा तीनों मिलके रथ से अपना मौसी का घर जाते हैं। इस खुशी में, इस शुभ अवसर में रथ यात्रा मनाया जाता है हर साल। तो सोनू ने आज रथ निकाले थे, तो आप लोग वीडियो देखे हैं, तो हम भी थोड़ा ये रथ का रस्सी पकड़ के उसको टान रहे, क्योंकि रथ का रस्सी पकड़ने में बहुत पुण्य होता है और सबका जीवन का जितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सबका मनोकामना पूर्ण हो। जय जगन्नाथ। रथ के साइड में होके बैठो, है ऐसे स्माइल। हेलो हेलो। अभी शाम का जो स्नैक्स है, खास रथ यात्रा उपलक्ष में आपका, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा समय लाइन में खड़े रह के जिलेबी मेरा नसीब में मिला। ये पापड़ है और साबू पापड़ है और इधर बहुत सारे फ्राइड आइटम है या चॉप वगैरह जो हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ चाय है। आज जलेबी का दुकान में लाइन बहुत ज़्यादा था, जलेबी खाने का बहुत मन था। आज दोनों भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसलिए आज ठान रहे थे आज घर जलेबी ला के लौटेंगे। इसलिए एक घंटा लाइन में खड़े रह के जलेबी मिला, फिर उसके साथ साथ साबू का पापड़ लिया। घर में साबू पापड़ नहीं थे, फिर उसको दिए। ऑलमोस्ट दुकान बंद हो गए थे, उनका शटर नीचे कर दिया था, तो हम एकदम नीचे से ऐसे शटर से नीचे से घुसे और रिक्वेस्ट करके सब लेके आए। तो अल्टीमेटली जलेबी वगैरह जो आप लोग देखे, साबू पापड़, स्नैक्स वगैरह, जो चाप वेजिटेबल चॉप जो हम लोग बोलते हैं, सब खा के अभी शाम का जो स्नैक्स उसे पेट भर गया। रात का जो डिनर है वो हम लोग स्किप कर लिए। इतना सारे जलेबी जलेबी वगैरह सब खा के पेट एकदम फुल हो गया। तो आज जो रथ रोना और सोनू निकाले थे, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसलिए बहुत थोड़ा गम भी है। कुछ नहीं, ये तो होते रहते हैं, मगर बच्चे लोग मजाक की यही सबसे बड़ी बात है। उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर करिए और चाहे तो वेरी गुड, और आप लोग फैमिली के साथ मज़े कीजिए और उसके साथ साथ चैनल पे जुड़े रहिए। तो अभी जो है मैं ब्लॉग को एडिट करने बैठा हूँ। कल ब्लॉग एडिट करते करते सुबह 5 बज गए थे, फिर 7 बजे सुबह आज उठ के फिर ड्यूटी जाना पड़ा। इसलिए इतना मेहनत करना पड़ता है एक ब्लॉगर को, तो आप लोग जो जानते वही समझते हैं। ये आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ 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 आप लोग थोड़ा प्यार ज़रूर दीजिए। तो उम्मीद करते आप लोगों का आज का ये ब्लॉग रथ यात्रा स्पेशल जो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए और बहुत 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 ज़्यादा ढेर सारा प्यार भी दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ और आप लोग भी अच्छी रहिए। आज का इतना ही, लिव द लाइफ एवरी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।